ନୂଆ ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ବିପ୍ଳବ। ଦେଶର ବୃହତ ଆଇଟି ଓ ଟେଲିକମ ମେଳା ଆରମ୍ଭ। ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଘାଟିତ। मोबाइल कांग्रेस मंच रु प्रधानमंत्री को घोषणा। गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन भारत में बनाएगा। 6G जुगर मंग धरव भारत। आरंभ हो एशिया महादेशर सर्वबृहत टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम नूआदिल्ली भारत मंडपम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएमसी सप्तम संस्करण उद्घाटन कर नुआ भारत में मोबाइल विप्लव को नुआ सोपान में पहुंचाई। विकसित भारत स्वप्न पूरण टेली जोगाजोग प्रजुक्ति विद्यार भारत अग्रगति को त्वरान्वित करने को आह्वान देते प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री देशर 100 शिक्षानुष्ठान को 100 5G यूज क्यास लैब्स प्रदान कर प्रजुक्ति विद्या छात्र छात्री को उत्साहित कर देश में अभिनव उत्पाद निर्माण में द्रुत अभिवृद्धि सह भारत आगामी 6G जुगर मंच धरवा जाती पीएम मोदी। भारत मंडपम आयोजित देशर सर्वबृहत आईटी और टेलीकॉम मेला आईएमसी 2023 तीन दिन जाए चलो। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आईएमसी रो चलित वर्ष रो थीम रहिछि ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित मेला और प्रदर्शनी में देशर बृहत मोबाइल सेवा प्रदानकारी कंपानी समेत 31 देशर 1300 अधिक प्रतिनिधि जोग देते। एथसह आईएमसी 2023 देशर 400 स्टार्टअप और प्रजुक्ति क्षेत्र में प्रतिष्ठित उद्योगी सामिल होती। उद्घाटन उत्सव में प्रधानमंत्री भारत मंडपम स्थानित आत्मनिर्भरशील पैविलियन सह अन्य स्टल परिदर्शन करते। Every generation needs a vision that inspires it to do great things. You have given my generation an aspirational vision of transforming our country into Viksit Bharat. If anyone wants to get a glimpse of how a developed India is being built, all they should do is come to the India Mobile Congress. What I have seen today at this mobile conference is fantastic. India is setting new standards for empowering people, and when you see all these digital solutions being rolled out for telecommunications, it's really outstanding. When you look into the numbers that Honorable Prime Minister also spoke about, I mean, and all the captains of the industry, it's really second to none. Great, great, great numbers. Tini diniya tech event re 5G, 6G network ro prayog, artificial intelligence, edge computing, cyber suraksha, satellite, सेमिकंडक्टर उत्पाद वृद्धि, इंडस्ट्री 4.0 एवं इंडिया स्टॉक परि प्रसंग चर्चा होउछि। वैश्विक डिजिटल उन्मेष वार्ता सह भारतर स्थिति को मजबूत करने लक्ष्य रे मोदी सरकार 2017 आरंभ करथिले मोबाइल कांग्रेस परि अभिनव अभियान, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म रे भारतर स्थिति को सुदृढ़ करिवारे सहायक होउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।